अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ आपको होस्ट रुख अलमीर। खूबसूरत पाकिस्तान चैनल की तरफ से लाई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो। और वीडियो है, आज का टॉपिक है कि जब मोबाइल टूटता है, स्मार्टफोन टूटता है, डिस्प्ले टूटता है, आप परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, ये तो बड़ा कॉस्टली होगा, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे, ठीक होगा भी नहीं होगा, कहाँ से मिलेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं मियाँ मोबाइल एंड पार्ट्स पर, आपको लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई का नाम? शफाकत अली। शफाकत भाई, शफाकत अली माशाल्लाह, हमारा भाई अदर अली और ये भाई शफाकत अली। शफाकत अली भाई, ये बताएं कि कब से इस फील्ड में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। 10 साल से काम कर रहे हैं और कहीं सीखा है, कोई डिप्लोमा हासिल किया है? नहीं, ये उस्ताद से डायरेक्ट सीखा है। ये उस्ताद से भाई ने सीखा है और माशाल्लाह बेहतरीन काम करते हैं। अच्छा जी शफाकत भाई, ये बताएं कि जब मोबाइल टूटता है आपके पास, कस्टमर लेकर आता है जी, तो आपके पास हर मोबाइल का डिस्प्ले मिल जाता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर मोबाइल का डिस्प्ले जो है वो मौजूद है, कॉपी भी है और जेन्युइन भी है। अच्छा, कॉपी भी जेन्युइन भी है, एप्पल के हो, सैमसंग के हो, एलजी के हो, कोई भी हो मॉडल? कोई भी हो इंशाल्लाह, जो रनिंग में मॉडल इस टाइम चल रहे हैं ना, ओप्पो, वीवो, हवावे, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईफोन, सैमसंग, ये तकरीबन और आउट मॉडल हैं, गूगल पिक्सल हो गया, वन प्लस हो गए, इनके जो है ना अवेलेबल हैं। ठीक है, अवेलेबल है। और दोनों क्वालिटी में ये फ़र्क क्या होता है इसमें? फ़र्क इसमें होता है, ये ए प्लस क्वालिटी होती है और थर्ड क्लास कॉपी एक होती है इसमें। एक थर्ड क्लास कॉपी होती है, एक होती है जो आपको मिल जाती है, हर जगह से मिल जाती है। एक ए प्लस होता है जो ओरिजिनल के थोड़ा सा नीचे होती है, ऐसे ही? बिल्कुल, वो फ़ोन से जो ओरिजिनल होता है ना 100%, वो सिर्फ फ़ोन से उतर के लगता है। यानी जेन्युइन किसी का फ़ोन जो ख़राब हो गया है ना, वो उसकी LCD जो है ना उससे उतर के लगेगी, अदरवाइज़ वो LCD नहीं आती है। अच्छा, मतलब अगर आपको कोई शॉप वाले ये कहे कि भाई ये ओरिजिनल LCD है या LED है, तो ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनल है? ओरिजिनल वही होती है, भाई भी सही कहते हैं कि ओरिजिनल वही होती है जो मोबाइल से उतरी होती है, या आपको कंपनी वारंटी में हो और कंपनी लगा के जी, दे जी, ऐसा जी, ही है? बिल्कुल, किसी शॉप वाले से आपको नहीं मिलने वाली? वो नहीं मिलती है, वो ए प्लस मिलती है, ए प्लस क्वालिटी जो है। ए प्लस भी मतलब वो जो हल्की क्वालिटी उससे अच्छी होती है, और जो ओरिजिनल होती है उससे थोड़ी सी माइनस नीचे, मतलब कई यूज़र को पता नहीं चलता। ठीक है, जब आपको बताया जाता है कि जी ए प्लस है, ओरिजिनल से थोड़ी सी लो है, तब आप समझ पाते हैं। वैसे जब आपको डिस्प्ले लगा के दिया जाता है तो आप समझते हैं कि हाँ ठीक है, ये ओरिजिनल ही है। सम डिस्प्ले में कुछ फ्यूचर काम नहीं करे, कुछ फ्यूचर से मुराद के या हो सकता है फिंगरप्रिंट काम ना करे, ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। OLED में जो होता है ना, सैमसंग में ज़्यादातर अभी OLED आ रही है, ठीक है, उसमें फिंगरप्रिंट जो है ना वो नहीं काम करता है। उसके अलावा बाकी सब ओके है, हर एक चीज़ ठीक होती, लेकिन फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं करता। और फिंगरप्रिंट अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले कोई फिंगरप्रिंट वाला हो और वो टूटा हो, डैमेज हुआ हो, तो फिर आप ढूंढेंगे कि आपको कोई मतलब यूज़ किसी का मोबाइल डेड हुआ हो तो उससे आपको मिल जाए। वैसे भी मिल जाती है मार्केट से जो है ना, ए प्लस क्वालिटी जो है ना वो मिल जाती है। अच्छा, वो भाई की लिंक है ना, वो भाई कहते हैं कि हम पूछ लेते हैं जिनके पास पड़ी हो, तो वो हम अरेंज करके दे देते होते हैं। शफात भाई, मुझे थोड़ा सा दिखाएं एक दो वैरायटी जो आजकल जो मॉडल लेटेस्ट जो आए हैं उसके डिस्प्ले आपके पास अगर हो तो। सर मेरे पास लेटेस्ट जो मॉडल है ना वो A70 है, इसमें OLED है ज़्यादातर ना, मेरे पास अभी जेन्युइन नहीं है, OLED मौजूद है मेरे पास है। तो इसमें फिंगरप्रिंट का होता है कि ये 50-50 काम करता है। अच्छा, कईयों में कर जाता है, कईयों में नहीं करता है, कईयों में नहीं काम करता है ना, ये चीज़ है मेरे पास, ये प्लस क्वालिटी उसकी है, OLED ठीक हो गया, A70 की ना, इसका बॉर्डर का फ़र्क होता है और हर चीज़ जो है ना वो उसी तरह ही वर्किंग करती है, डिस्प्ले भी उसी तरह ही इसका होता है। बॉर्डर का कि मतलब बॉर्डर इसका ज़्यादा है और उसका कम होता है? जी, जेन्युइन का जो है ना वो बॉर्डर फुल होता है, और OLED जो है ना कॉपी LCD जो है ना उसका बॉर्डर कम, डिस्प्ले जो है कम होता है, चिन और वो होती है उसकी ज़्यादा होती है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे मॉडल हैं, वो उनका यही तकरीबन है। शफात भाई, आप सिर्फ डिस्प्ले चेंज करते हैं, मोबाइल रिपेयर भी करते हैं? नहीं सर, मैं पहले मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, अभी तकरीबन 3 साल से जो है ना ये डिस्प्ले का और टच ग्लास का साथ काम कर रहे हैं। जिन भाइयों के ऊपर से ग्लास वगैरह टूट जाते हैं, वो ग्लास तकरीबन हम सस्ती प्राइस में और अच्छी क्वालिटी का जो ग्लास है ना वो लगा के देते हैं इंशाल्लाह उनको ना। और कस्टमर को मोबाइल छोड़ के जाना पड़ता है या आप उसी टाइम मौके पर ठीक करके? उसी टाइम ही तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, कम से कम जो है ना वो हम आधे घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को फ़ोन जो है ना वो तैयार करके। तो आपको एतराज़ नहीं होता कि कस्टमर आपके पास यहाँ बैठा हो?
नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कस्टमर को हम खुद बोलते हैं कि आप आएँ हमारे पास बैठे इधर, आप भी देखें, हम इंशाल्लाह आपके सामने सारा काम। ये कितनी अच्छी बात है, वैसे आपको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है कि मेरा पर्सनल डेटा है और ये लीक हो जाएगा, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। भाई कहते हैं कि इनको कोई एतराज़ नहीं है कि हमारे पास कस्टमर बैठा और मौके पर इंशाल्लाह ठीक करके देते, ऐसे मैकेनिक नहीं है कि जी छोड़ के चले जाए जी हम चेक करेंगे फिर उसके बाद बताएँगे, फिर कहेंगे जी डिस्प्ले भी टूटा है इसका, ये भी मसला है वो भी मसला है, तो ऐसी बात नहीं, मौके पर ठीक करके देंगे, ऐसा ही है जी। जी अलहमदिल्ला इसी तरह ही है, बाज़ का तो होता है कि नीचे से वो दुकानदार जो है ना वो बुक कर लेते हैं फ़ोन, तो मेरे से ठीक करवा के नीचे जो है वो अपनी प्रॉफिट रख के तो वो अपना भी साथ निज़ाम चला लेते हैं, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी कोशिश होती है कि वो उनको जो है ना दुकानदार को सेट जो है वो वापसी देना होता है हमने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही सही है। तो नाज़रीन देखें भाई कितनी मासूमियत से माशाल्लाह भाई बात कर रहे हैं और इनके बारे में हम जानते हैं, ये बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। कई दफ़ा हम अपने मोबाइल भी लेकर आए, अपनी फैमिलीज के मोबाइल भी लेकर आए, इनसे रिपेयर करवाएं, इनसे ठीक करवाएं, डिस्प्ले भी चेंज करवाए हैं। अभी हम आए थे भाई से पूछने, वो एक मोबाइल है उसका डिस्प्ले पूछने आए थे, तो मैंने कहा चले जी अच्छे भाई हैं माशाल्लाह ईमानदारी से काम करते, तो मैंने कहा इनकी भी एक वीडियो बना ही लेते हैं, आपका भी भला हो, इनका भी भला हो और मेरे चैनल का भी भला हो। और दूसरा शफात भाई ये मुझे बताएं कि आपने कोई मशीनें भी रखी हैं इसके लिए? जी जी मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं, एज मॉडल के भी हम जो हैं वो ग्लास चेंज करते हैं, स्टेट के भी करते हैं, MOLED जो है उसके भी हम करते हैं ग्लास चेंज, इधर ही होते हैं। अच्छा शफात भाई जिस तरह ये एज फ़ोन होते हैं, जिस तरह के अभी वन प्लस में भी एज आ रहे हैं, फिर उसके मोटोरोला में भी एज हैं, सैमसंग S7 में भी एज है, 8 में भी हैं, मेरे ख्याल 9 में भी हैं, मतलब काफ़ी सारे इस तरह की वैरायटी है जिसमें एज डिस्प्ले यूज़ हो रहा है। जब एज डिस्प्ले ऊपर से टूटता है तो कई शॉप वाले कहते हैं कि जिसका पूरा पैनल चेंज होगा, इसकी हकीकत क्या है कि मतलब पूरा पैनल उसका चेंज होगा या नहीं उसका ऊपर ग्लास चेंज होगा? वो इसमें 50-50 चांस होते हैं, ये रिपेयरिंग के दौरान जो है ना वो डिस्प्ले जो है ना वो ख़राब होने का उसका ख़तरा होता है, इसलिए वो फिर ग्राहक को ज़्यादा वो कहते हैं कि ये मुकम्मल इसका जो है ना वो डिस्प्ले ही चेंज होगा। ग्लास चेंज करने के ऊपर कम से कम जो है ना वो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं एज मॉडल का, वो फिर इसलिए वो जल्दी कहते हैं जी नहीं जी इसका जो है ना वो पैनल ही मुकम्मल चेंज होगा। शिफात में देखें वो तो बात सही है, लेकिन पैनल अगर वो चेंज करो काफ़ी कॉस्टली होगा, ग्लास अगर सिर्फ चेंज करना तो उस पर कितनी कॉस्ट आ जाती है? जी अगर वो उसकी LCD Note 8 की मिसाल के तौर पर LCD लगा लें, वो तकरीबन मार्केट में 20,000 रुपये की LCD है, तो अगर तो वो कस्टमर बोलता है जी आपकी वारंटी आपने चेंज करना है तो आप हमें प्राइस बताएं, वो फिर हम LCD का जो है ना वो हाफ ऑफ कर लेते हैं, अगर LCD ख़राब हो जाती है वो फिर हम अपने पास से लगा के देते हैं। अगर कस्टमर बोलता है यार कोई मसला नहीं है मैं अपने पे वारंटी ले लेता हूँ, वो तकरीबन फिर जो बिल्कुल मुनासिब जो प्राइस है ना 3500-4000 ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक जो है ना वो S10, S10 प्लस, Note 10 इनमें जो है ना वो फिर कर देते हैं कस्टमर की वारंटी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आपकी बचत हो जाती है, वैसे तो डिस्प्ले काफ़ी कॉस्टली होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है किसी मोबाइल का आप डिस्प्ले लेने जाते हैं वो मोबाइल से महंगा उसका डिस्प्ले होता है, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, सैमसंग का ज़्यादातर इसी तरह ही है, वो इतने का फ़ोन नहीं होता है कि जितने का उसका वो डिस्प्ले महंगा, डिस्प्ले महंगा। तो और दूसरा ये इसमें कई में वो डॉट्स होते हैं, तो वो डॉट्स का क्या सीन है? डॉट्स जो है वो ज़्यादातर जो है ना वो एज मॉडल में आते हैं, स्टेट में नहीं आते हैं, स्टेट में शेड आता है सिर्फ, वो भी अभी आना शुरू हुआ है, पहले स्टेट भी नहीं आ रहा था। और ये डॉट कंपनी से कंपनी की तरफ से ही होता है? नहीं नहीं, ये जब जेन्युइन LCD जो है ना जेन्युइन फोन के ऊपर से जब ग्लास टूटता है ना वो LCD उतार लेते हैं, उसका ऊपर से ग्लास चेंज करते हैं, ग्लास चेंज करने के दौरान जो है ना ये डॉट आते हैं उसमें। और डॉट बढ़ते भी हैं? जी ये बढ़ भी जाते हैं। अच्छा बढ़ भी जाते हैं। जी जी जी। तो दूसरे शफात भाई माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी भाई ने बातें की हैं, और दूसरा एड्रेस बताएं अपना। जी जी सिंगापुर प्लाजा 3rd फ्लोर मियाँ मोबाइल पार्ट्स रावलपिंडी। रावलपिंडी ठीक हो गए नाज़रीन, तो इंशाल्लाह आप आएँ या विज़िट करें, अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं कोई इशू है कोई मोबाइल इसके तो इंशाल्लाह यहाँ पे रिपेयरिंग भी है और डिस्प्ले भी चेंज होगा और भाई अच्छी प्राइस में इंशाल्लाह, और अगर चैनल की तवज्जो से आएंगे तो इंशाल्लाह डिस्काउंट भी करेंगे, ऐसा ही है इंशाल्लाह जी। वैसे ही हम प्यार मोहब्बत करते हैं, वैसे ही बहुत प्यारे भाई। जो जायज मजदूरी होती है ना इंशाल्लाह कोशिश वही होती है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, बेशक हमें जितने की परचेज़ आई है ना अगर कोई आके बोले जी यार मैं मजबूर बंदा हूँ तो वो फिर हम किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो फिर ये उसको बोलते हैं कि ये हमारी प्राइस है मुकम्मल, इस प्राइस के ऊपर आप हमें पे कर दें, हम मजदूरी नहीं आपसे लेते हैं, हम आपको लगा के दे देते हैं। सुन लीजिए जी, तो माशाल्लाह ऐसे ही हमारे प्यारे भाई, बहुत प्यारे भाई माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बातें इन्होंने की, और आप आएँ यहाँ पर इंशाल्लाह तो आप भी मुतमिन होंगे मेरी बातों से और इनके मासूमियत से और मासूम मासूम प्यारी प्यारी बातों से, तो ज़रूर इनका इनकी शॉप विज़िट करें, तो इंशाल्लाह फिर अच्छी से किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।